दूसरे लड़े होते हैं वो भी हाजिर होते हैं, और मैं चाहता हूं कि हो सकता है कि वो क्यों नहीं आए हों, मगर यहां पर हारे और जीते और लड़ाने और लड़ने वाले सभी लोगों को होना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि मधु सब किए गए होंगे, नगर पालिका की ओर से इनवाइट किए गए होंगे। ये सरकारी कार्यक्रम होता है साथी, बहुत लंबी चौड़ी बात करने का मौका नहीं है, सरकारी कार्यक्रम है। बस दो चार नगर पालिका की तरफ से मैं बात कहूंगा। जैसा कि पहले भी नदीम उबास जैदी साहब इस नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, तो नगर पालिका अपने आप में दूर से ही चमकती थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुबीना जैदी के नेतृत्व में भी नगर पालिका का चहुमुखी विकास होगा और बिना भेदभाव के विकास होगा। और मैंने एक पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते, जो कि हमारी पार्टी के टिकट पर वो निर्णय, उनसे गुजारिश भी करना चाहता हूँ, चाहे उसको हिदायत के रूप में भी समझ लें, कि मेरा निवेदन है कि वो किसी के साथ भेदभाव ना करें। एक वार्ड से लेकर 16 वार्ड तक अगर किसी ने वोट दिया है या नहीं भी दिया है, सामने वाला जीता है या हारा है, सबका बराबर विकास होना चाहिए, सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। और ये बात कहने की थी, मगर कहने के बिना बजाय भी ये पूरी उम्मीद इस खानदान से है, इस घराने से है, नदीम अब्बास जैदी साहब और उनकी बीवी से है, कि किसी के मान सम्मान में, अदब और एहतराम में कमी नहीं करते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी तहसील के एसडीएम साहब को भी कि वो यहाँ आए, और बहुत अच्छी इनकी कर्मठता के बारे में क्षेत्र में चर्चा है। मेरा उनका मुलाकात बैठकर या तो एक दिन हमारे गांव के हमारे कजिन अरुण कुमार देशवाल हाईकोर्ट साथ चाय पियेंगे। उन्हें मैं हम लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे साथ के जो लोग आए, तो अभी जब छठी बार नाम लिया गया रिजवान साहब का, तो गदरोला से कुछ हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ आए हैं सचिन जी के, तो वो आपस में गुनगुना रहे थे, खुद बुला रहे थे। मैं देख रहा कि भाई छठी बार छोटा वादे हमने स्टार्ट पहले ही कर दिए, जो जो हमारे वादे हैं हाउस वो हमने स्टार्ट तो पहले ही करा था, जिनसे कंप्लीट हुई थी, लेकिन अब ऑफिशियली तो मैं कल से हम पूरा अंडर उसमें लेके स्टार्ट कर देंगे, और जो भी विकास होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हमने अपने वादे चुनाव घोषणा पत्र में लिख के दे दिए हैं, तमाम लोग उसको महफूज रखें।